इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ, रिकॉर्डिंग किस में लगाए? दोनों लगा दिए ना, जूम वाला सही है, कम मेमोरी में काम हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स हैं बच्चों अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होते? इसके फैक्टर्स होने चाहिए थे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। सही बात, यानी कि कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है ये यहाँ से फैक्टराइज होके ये मिलना चाहिए था, तभी तो रूट्स निकल के आएगा अल्फा और बीटा, है कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ध्यान देना, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलता देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। और ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों से माइनस एक्स कॉमन कर लूँ तो अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो तो ये सम ऑफ रूट्स है और ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। देखा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर मैं इसको एस बोल दूं एस एस एक्स प्लस, अगर इसको पी नाम दे दूं पी इक्वल टू जीरो। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है बच्चों तो दो चीजें निकालनी होंगी, एक सम ऑफ रूट्स एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन टू बोल देता हूं, और ये वाला जो इक्वेशन था ये वाला, इसमें a से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर इसको वन बोल देता हूं। इसको a से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन था, यहां भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन बना लिया है। दोनों को कंपेयर करता हूं क्योंकि दोनों सेम ही तो इक्वेशन था, तो अगर मैं वन और टू को कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग वन एंड टू, ध्यान से देखो अगर एक्स स्क्वायर तो बाकी कॉफिशियंट भी सेम होना चाहिए। एक्स का कॉफिशियंट बी बाई ए है, यहां एक्स का कॉफिशियंट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू बी बाई ए? और यहां कॉन्स्टेंट अल्फा बीटा है, यहां कॉन्स्टेंट सी बाई ए है, दैट मीन्स दिस अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से देखो तो अल्फा प्लस बीटा जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के। दिस इज सम ऑफ रूट्स और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए। अरे बात समझ में आ रही है सबको? नोट करो, लिखो। सार सार एक बार हाँ ही दियो ना, क्या स्माइल करता है हिमंत दादा भाई साहब, आग लगा दिया इंटरनेट में। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नीड टू फाइंड टू थिंग्स, वन इज सम ऑफ रूट्स एंड अदर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और यहाँ से इनका एक्सप्रेशन भी मिल गया, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, ध्यान रहे बी इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए। कोई बोल रहा है कुछ? मिटाऊं? हम तो मिटाएंगे।
अब देखो अल्फा प्लस बीट। हाँ भाई ले, जान निकल गया तेरा। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया। अब बाकी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आप हर चीज निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोले कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो जितनी भी चीजें हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में, क्योंकि ये हमको पता होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, है कि नहीं? अगर तुमसे बोला कि रेसिप्रोकल का सम निकालो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अगर तुमसे बोला कि क्या बोला, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालो, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां मॉड लगाते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए। फिर मान लो तुमसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछ दिया, क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला याद है ना, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पता रहेगा, अल्फा बीटा पता रहेगा, निकल जाएगा। अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू तुमसे पूछ ले, फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ अलजेब्रा का मैं, तो अल्फा माइनस बीटा होल क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। इस तरह से कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल लिख लो इसको भी। Find the quadratic equation whose one root is 2 plus root 3. Find the quadratic equation whose one root is 2 plus root 3. बताओ, वो quadratic equation क्या होगा जिसका एक root 2 plus root 3 है? क्या लगता है बच्चों? अगर एक root 2 plus root 3 है तो क्या पुरानी बात याद आई? दूसरा root हमने नहीं दिया, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप दूसरा रूट बता सकते हो, कितना होगा? 2 माइनस रूट 3, क्योंकि बताया था इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आएगा, लैला आया तो मजनू भी आएगी। तो चलिए भाई, तो हमें दो चीजें चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, एक तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, इसका वैल्यू तो 4 आ जाएगा, रूट 3 रूट 3 उड़ा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, कितना? 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो इक्वेशन आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस का वैल्यू है 4 एक्स प्लस पी यानी कि 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? ये यही सवाल है, अल्फा का वैल्यू 1 प्लस आयोटा रूट 3 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 प्लस आयोटा रूट 3। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 प्लस आयोटा रूट 3। बताएं, अल्फा 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो सर इसका पार्टनर बीटा जो होगा वो 1 माइनस आयोटा रूट 3 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो क्या 2 आएगा बच्चों?
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लो, वन प्लस आयोटा रूट थ्री इंटू वन माइनस आयोटा रूट थ्री, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा रूट थ्री होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बनता वन माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू थ्री, और याद करो मैंने बोला था आयोटा का वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा बच्चों? माइनस वन। तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रख दो, तो वन माइनस माइनस वन इंटू थ्री यानी कि वन प्लस थ्री, तो प्रोडक्ट आ गया बच्चों फोर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस का वैल्यू टू है तो टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? अगर तुम साथ हो। हाँ थैंक यू। लिखो सवाल लिखो। आज मिरर देखूंगा मैं, बहुत दिन से देखा नहीं है मैंने। इफ द रूट्स ऑफ, अरे सवाल लिख लो पहले बाद में। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 7x प्लस के इक्वल टू जीरो, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 7x प्लस के इक्वल टू जीरो आर रेशनल देन के इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू एंड फोर्थ ऑप्शन इज वन टू। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल हैं बच्चे, रेशनल, तो के का क्या वैल्यू हो सकता है वो आपको बताना है। और रेशनल के बारे में डिटेल कहानी बताया था आपको लास्ट क्लास, क्या होना चाहिए रेशनल रूट्स होने के लिए? डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत बढ़िया। डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। आप कोई पूछे कि सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है तो पता नहीं। मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। चलो भाई सब कुछ बताता है डी, तो आप सबसे पहले डी निकाल लें और देख लें किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। खत्म कहानी, बहुत सिंपल सवाल है। तो डी का वैल्यू लगता है जैसे बी स्क्वायर माइनस 7² इज 49 माइनस 4ac, तो कितना 24k। अब के का वैल्यू डालते जाओ, ऑप्शन से उठा उठा के डाल लो। के की जगह माइनस वन रखूं क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? माइनस वन रखते ही देखो जरा डी का वैल्यू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 49 प्लस 24 हो जाएगा बच्चों 73। परफेक्ट स्क्वायर है क्या? गया। के जगह माइनस टू रखा तो 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता 44, 24 इंटू टू 48, 49 प्लस 48 लगता है 97 होता है, ये भी गलत। के जगह माइनस वन माइनस टू रख दिया तो ये गया ये गया ये गया, ये तीन ऑप्शन तो गए। वन टू रखो, वन रखा तो डी का वैल्यू देखो 49 माइनस 24 25 होता है क्या? यस, ये रहा परफेक्ट स्क्वायर। और के जगह टू रखूं तो डी का वैल्यू 49 माइनस 24 इंटू टू 48 वन, ये भी सही है। बात समझ आ गया? तो बहुत सिंपल सवाल था, आपको चेक करना था कि डी का वैल्यू कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, के किस वैल्यू के लिए, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन ना दिया तो थोड़ी बता सकते हैं हम लिख देंगे फिर इसके बाद कि फॉर दोज वैल्यूज ऑफ के फॉर विच डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन देगा बच्चे? बिल्कुल देगा। हाँ जी आगे बढ़े। चलो लिखो, लिखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, देन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अंडर रूट ए बी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. चलिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिफरेंट, देन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसके रूट्स का नेचर दिया है तो इसका पूछ रहा है. चलो बताओ, नेचर का रूट्स कौन बताता है, सॉरी रूट्स का नेचर कौन बताता है, डी. तो सारा कहानी तो डी के ऊपर है बच्चों. अच्छा, इसका रूट्स रियल और अनइक्वल है तो इसका मतलब क्या गिवन है, डी ग्रेटर देन जीरो. अच्छा, इसका डी कितना आएगा, वन स्क्वायर वन माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन जीरो. तो ऐसा लगता है जैसे इसको उधर भेज दूं तो फोर ए बी लेस देन वन, ये गिवन है बच्चों. आगे देखते हैं, इसका रूट्स के नेचर के बारे में पूछ रहा है. अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर अगर करूं तो सिक्सटीन ए बी बनेगा माइनस फोर ए सी, वन वन है तो फोर. अब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, फोर कॉमन कर लो बच्चों, अंदर देखो तो फोर ए बी माइनस वन. अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है, यहां नेगेटिव है. यहां दे दिया कि फोर ए बी वन से छोटा है, फोर ए बी अगर वन से छोटा है तो वन से छोटा माइनस वन, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू फोर नेगेटिव, यानी कि पता लग गया कि डी लेस देन जीरो है. मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे बच्चों, इमेजिनरी. दिस इज आंसर. बात समझ आ रही है, मेरी नजरों में है तेरे सपने. हाँ बच्चे, ये तुमने पढ़ा है ना पहले थोड़ा बहुत, इसलिए तुमको मजा आ रहा होगा. कोई नहीं, इसमें भी सजा मिलेगा थोड़ी देर में, रुक जाओ. तुमने जितना पढ़ा है वो तुमने जितना पढ़ा है वो बस खत्म ही होने वाला है थोड़ी देर में. वाह बच्चे वाह, कल रात को नींद, कल रात कौन सा बात है. अरे यार, हमें क्लास से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है पार्टी से. लिखो भाई, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी नन ऑफ दिस. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल हैं तो ए बी सी किस में होना चाहिए. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल तो क्या करना चाहिए, ये देखो आम जिंदगी में हम क्या करते हैं बच्चों, डी इक्वल टू जीरो. अब देखो मेंटोस जिंदगी, ध्यान दो इधर बोर्ड पे देखो, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर एक्स स्क्वायर और एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं
तो देखो क्या मिलता, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, देखो सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे। अच्छा एक्स स्क्वायर और एक्स को भूल जाने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पे क्या रख दिया, वन। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स के जगह पे वन रख दूं, एक्स के जगह वन रख दूं, तो ऐसा लगता है जैसे जीरो इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। यानी कि एक रूट इस इक्वेशन का वन हो गया, यानी कि बिना किसी मेहनत के हमको इसका एक रूट मिल गया। ठीक, और क्वेश्चन पढ़ो, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो क्या बीटा भी वन होगा। देखो दोनों रूट मिल गया, अब कुछ भी लगा लो, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मर्जी, चलो अल्फा बीटा लगा लेते हैं। हमें पता है अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, सी के जगह पे इस बार बी माइनस सी है और ए के जगह पे बच्चों ए माइनस बी है। अल्फा बीटा मतलब वन इंटू वन इक्वल टू बी माइनस सी बाई ए माइनस बी, इधर ले आओ, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, ये देखो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, दिखा किसका कंडीशन ये है आंसर। तो इससे हमें क्या सीख मिला कि कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, कभी भी कॉफिशियंट्स को ऐड करने से अगर जीरो मिल जा रहा है तो एक रूट उसका वन होगा। ठीक है, इससे हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व कर पाएंगे, नोट कर लो, ये मेथड है, ये तुम कर लेना, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, वहां से भी मिलेगा। हाँ बच्चे, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है मर रहा। हाँ भाइयों, अगले सवाल की तरफ चलें। बोला है कि ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर्स है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन ए माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो विल बी, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इमेजिनरी, दूसरा इरेशनल, तीसरा रेशनल, चौथा नन ऑफ दिस, बताओ। If roots of equation, sorry, ABC belongs to rational number, then roots of this equation will be, बस इतना ही सवाल है जो भी है बोर्ड पे लिखा हुआ है, then roots of equation a minus b plus c into x square minus 2ax plus a plus b minus c equal to 0 will be, कैसे roots होंगे इसके, imaginary होंगे, irrational होंगे, rational होंगे, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोल दो, अरे सीबीटी लगाओ ना, ये रहा सीबीटी तुम्हारा, यहां लगा दो, देख देख के फील नहीं आ रहा है, एक रूट वन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स के जगह वन पुट करता तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस टू एक्स, अगर एक्स के जगह वन रखता तो माइनस टू ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, देखो सब कैंसिल होके जीरो इक्वल टू जीरो मिल तो जाएगा, मतलब एक रूट हो गया वन, दिस इज वन रूट, और एक रूट अगर वन है, ये रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है, तो क्या बताओ बीटा कभी इरेशनल हो सकता है क्या, इमेजिनरी हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, ये बात मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास,
तो अगर ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल होना ही पड़ेगा. सो आंसर होगा बच्चों इसका रेशनल. बात समझ आई? वंदे मातरम. क्या क्या? एक रूट रेशनल है तो दूसरा रूट क्या होगा, खुद सोचना. एक रूट रेशनल है तो दूसरा रूट इरेशनल हो सकता है क्या? काहे नहीं हो सकता है? क्योंकि इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स कपल्स में आते हैं, इसीलिए एक रेशनल है तो दूसरा भी कैसा होगा, रेशनल ही होगा. अब लैला मजनू बोलो, हीर रांझा बोलो, जो बोलना है बोलो. चलिए जी, कुछ और सवाल कराते हैं आपको. सवाल ही सवाल हैं जीवन में, एक सवाल खत्म होता है तो दूसरा सवाल शुरू हो जाता है. फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, यानी कि एक्स का कितना रियल वैल्यू आपको बताना है इस इक्वेशन के लिए. अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन. बिल्कुल बच्चों वाले सवाल, आपको बताना है इस इक्वेशन का कितना रियल सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स का कितना रियल वैल्यू. अच्छा, तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं सर? बचपन में सवाल आता तो क्या करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो करो ना, शर्माओ मत, हम भी करते हैं, तुम भी करो. ये ले, अब दिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड. चलिए करते हैं. इधर आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर करूं तो x प्लस वन, बी स्क्वायर करूं तो x माइनस वन, माइनस टू ए बी करूं. अरे करो ना यार, मैं नहीं कर रहा, जा करो. दो बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी में एक बार रूट बच जाएगा, तो रूट वाले को फिर एक साइड रखना, बाकी को एक साइड रखना और एक बार फिर स्क्वायरिंग करना, तब रूट गायब होगा. करो फटाफट, बताओ एक्स का कितना वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू. मुझे नहीं पता, क्या आया वैल्यू, क्या आया वैल्यू, 5/4. तो मतलब वन रियल सॉल्यूशन. देखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किया होगा तो रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन. आरएचएस में स्क्वायरिंग किया होगा तो फोर एक्स माइनस वन हो गया होगा. इसको उधर भेजो, उसको उधर ले आओ. तो ये प्लस वन माइनस वन उड़ा, एक्स प्लस एक्स हो गया टू एक्स, उधर से आया माइनस फोर एक्स प्लस वन, और ये चला गया आरएचएस में बेचारा अंडर रूट एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन. तो ऐसा लगता है जैसे ये माइनस टू एक्स प्लस वन और इधर आ गया टू अंडर रूट एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन. फिर से एक बार स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि रूट तो हटा नहीं अभी तक, तो ये बन जाता बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4x, और RHS में हो जाता 2 स्क्वायर 4 और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4. 4x स्क्वायर ने 4x स्क्वायर को मार दिया और ऐसा लगता है जैसे 4x इक्वल टू हाउ मच, 4
प्लस वन फाइव, और x का वैल्यू कितना 5/4। तो यहां तक करने के बाद लोग लिखेंगे कि सर वन रियल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया बड़े प्यार से और हमको एक रियल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अरे सुन रहे हो, हेलो। लेकिन 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 जरा रुको, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो x का वैल्यू आया इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। ठीक है, चेक कर रहा हूं मैं, चेकिंग। अंडर रूट एक्स प्लस वन यानी कि अंडर रूट 5/4 प्लस वन माइनस अंडर रूट 5/4 माइनस वन, RHS में है अंडर रूट 4x यानी कि 4 × 5/4 माइनस वन। देखें जरा, 5 + 4 9, 9/4 होता है 3/2 रूट से बाहर निकल के, 5 − 4 1/4 हो जाएगा 1/2, और RHS में देखो तो 5 − 1 रूट फोर यानी कि 2, 3/2 − 1/2 होता है 1 = 2। वाह क्या मैथमेटिक्स बनाया मैंने, सबस। ऐसा होता है क्या? यानी कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो सही है कि गलत है? गलत है। सो आपका जो आंसर होगा दैट इज नो रियल सॉल्यूशन। तो एक बात का ख्याल रखें आज के बाद, आपको मैंने ये कराया इसलिए है, कभी भी रूट वगैरह एग्जिस्ट करे इक्वेशन में, आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हो सकता है कुछ फॉल्स रूट्स आ जाते हैं आंसर में। ठीक है, स्क्वायरिंग करने के कारण कुछ एक्स्ट्रा गलत रूट आ जाते हैं। तो आपके जो भी आंसर्स निकल के आए कृपया उसको लास्ट में एक बार वेरीफाई जरूर करें कि वो सही है या गलत है। बात समझ आ रही है? इसको लिख लो, लास्ट में लिख लेना नीचे, ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर इन सच क्वेश्चंस। इसका आंसर वन रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन इज द आंसर। ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर। जो हम पे गुजरी सो गुजरी। तुम लोग पहला दिन आओगे तो मुझे पार्टी दोगे? नहीं, अच्छा मुझे लगा था पहली बार जब मिलोगे टीचर से तो पता नहीं ऐसा कुछ रिवाज होगा तुम्हारे यहाँ। अरे मैं तो दूंगा ही, मैं तो बोला है ठीक है, बट तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनना चाहिए ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, वाह। मतलब मेरा ही किस्मत खराब है कुल मिला के, है ना। चलो अगला सवाल लिखो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लिखो प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² − 4mx प्लस 3e^2 log m −4 = 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² − 4mx प्लस 3e^2 log m −4 = 0 इज 8। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है बच्चों 8, आपको m का वैल्यू पूछ रहा है। ये लो ऑप्शंस है, +-2 + -1 2 1। बताएं, सही बताने वाले को 10। अरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट 8 है तो m का वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जो सही जवाब देगा उसको 10 रुपए। चलो गलत जवाब, और गलत जवाब वालों से 10 रुपए लिया जाएगा। अच्छा अच्छा, तू अभी पूछ ही रहा है अभी, मुझे लगा 10 रुपए का कमाई हो गया मेरा। दस तेरी की, जल्दी
थर्ड या वन? थर्ड ठीक है, देखते हैं देखते हैं। और कोई बोलेगा? अरे अब तो बोल दो। चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा, ठीक है देखते हैं। अल्फा बीटा मतलब सी बाई है, ये पूरा कांस्टेंट है देखो, 3e to the power 2 log m -4 डिवाइडेड बाई, ए का वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू 8 गिवेन है। 4 को उधर भेजूं तो 3e to the power 2 log m = 12, 3 ने इसको मारा 4 से, यानी कि e to the power 2 log m = 12, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लो, या फिर लॉग का कौन सा 4, अब ठीक है तो दोनों तरफ लॉग ले लो, या फिर a to the power x = p, तो याद करो लॉग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 2 log m = log 4 ना, अबे e to the power 4 थोड़ी, log 4 बेस e, ये होगा ना, भूल गया तुम लोग, चलो मैं लॉग ले लेता हूँ, तुम लोग कोमा में चले जाओगे वरना। दोनों तरफ लॉग ले लिया, बेस ई लेके लॉग e to the power 2 log m, यहाँ बेस ई लिया है और इधर भी लॉग लगा देता हूँ, log 4 बेस ई ले लेता हूँ अब, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, पावर में जो होता है वो बाहर आता है, तो 2 log m बाहर आ गया, अंदर बचता लॉग ई बेस ई, कितना होगा ये 1 हो जाएगा। RHS में देखो तो log 4 बेस ई, हाँ जी, तो ये 1 हो गया। और ये 2 को क्या m के पावर में भेज सकता हूँ बच्चों, क्या इसको log m² लिख सकता हूँ, = log 4 बेस ई। देखो यहाँ बेस नहीं है, मतलब यहाँ भी बेस ई है, कन्फ्यूज ना हो, बोला था मैंने ये बात, तो लॉग से लॉग उड़ गया, m² = 4, तो ऐसा लगता है जैसे कि m का वैल्यू ±2 आएगा, ऐसा लगता है, फिर से बोल रहा हूँ, और पहला ऑप्शन यही देता है, लोग टिक करते हैं और गलत हो जाते हैं। बताओ एम का वैल्यू -2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आंसर होगा सिर्फ 2, क्योंकि लॉग एम, मैंने बताया था लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, तो अगर एम का वैल्यू -2 लेते हो तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, लिख लेना लॉग एम इज डिफाइंड ओनली फॉर m > 0, ये बात मैंने लॉग में बताया था, तो आपका आंसर सिर्फ होगा m = 2। बात समझ आई, नोट करें। तुम नहीं यार, पुराना ही है, क्यों मेरे टोपी पे इतना नजर क्यों लगा रहे तू, 50 रुपए के टोपी के लिए तू 100 रुपए का पार्टी मांगेगा, शर्म नहीं आएगा तुझे? नहीं यार, वही तो दिक्कत है सबसे बड़ा, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। कोई नहीं, आओ एक दिन ऑफलाइन क्लास में, पता लग जाएगा सब, किसने कितने पाप किए हैं। तू तो शायद वो है, क्या नाम है उसका, जिसने वो चिकन में धोखा दिया था मुझे। नहीं, अरमान नहीं, एक और था जिसने बोला था कि आज बन रहा है 11th वाला,
तू ही है वो। अच्छा ये राहुल है, ठीक है, राहुल का आवाज तो पता लग गया। चलो भाई अगला सवाल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स जिंदगी भी तो धुंधला ही है बच्चों, किड्डी जी रहे हैं भाई की धुंधला हो जाता है। नेटवर्क ग्रेड हो गया ना अभी हुआ लेवा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 2e to the power sin k माइनस 1 इक्वल टू 0 एज 7 देन फाइंड के। अभी ब्लर आ रहा है। अरे यार कुनाली सुनाई दे रहा है। पैसा देता नहीं है तुम लोग, खाली बोलता है एक बार हाँ ही दियो, खाली हंसने से फोन खरीद जाएगा। ए नेटवर्क रेट दिखा रहा है क्या बोलो? फिर बंद हो गया अपने आप को, अपने आप बंद हो रहा है, खुल रहा है। हाँ हो रहा है, पता नहीं है तो पता नहीं है। अनिल को नहीं होगा, अनिल का नहीं ऑफ करके ऑन करेंगे इसको। नहीं यार अनिल के नहीं का आदमी छोड़े उसको ऑफ करके ऑन नहीं देने। कहाँ बोल रहा है नाली कहाँ है? सुनाई दे रहा है ना? पीला हो गया अभी। छोड़ दे ये रिकॉर्डिंग, देखो तो कैसे सेव होगा यहाँ पे जो हो रहा है।
अपने आप से हो जाएगा पक्का। नहीं बस तू हो जाएगा, हो जाएगा जब ही मैं क्या हूं पहले रूटीन चेक करना पड़ेगा। एक काम कीजिए इसको बंद कर दीजिए, मैं उसको बंद कर दीजिए इससे तो कोई लेट सब कर मत करो। माइनस थ्री के एक्स प्लस टू ई टू दी पावर साइन के माइनस वन इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7 देन फाइंड के। इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 7 तो आपको के का वैल्यू बताना है। सवाल सुनाई दिया हेलो गायब हो गया। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तुम कह रहे भंगवाइल रहता है दिन भर। फिर से स्टार्ट किए हैं क्या? छोड़िए रहने दीजिए, मत कीजिए कोई। हाँ देखिए मोबाइल लगता है टीवी ऑन करो करो 999 नहीं मरेगा। अब उसकी ओपी को बना तुम्हारा शरीर में सारा कुछ है नहीं, पेटवा कल निकल गया ये तो निकलना है कुछ भी निकला है ना। हेलो हेलो मैं तुम लोगों को डाउट एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है। हाँ जिसने जिसने मुझे डाउट भेजा मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग नोट करते जाओ कैसे कैसे क्या करना है। चलो इसका आंसर होगा नो रियल वैल्यूज ऑफ के। चेक करना क्यों। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। बहुत सही। हाँ वही log 4 base कितना आएगा, 2 आएगा शायद, e आएगा। हाँ log 4 base e, तो देखो log e base e 1 होता है लेकिन 4 का वैल्यू e से ज्यादा है, तो यानी कि log 4 base e का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा आएगा मतलब साइन थीटा 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए k का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। चलो भाई तुलसी बोरो है क्या क्लास में? बोलता ही नहीं है सर। तुलसी बोरो एक तुलसी बोरो है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं मैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू ए मूविंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, ये बच्चे क्लास में करा चुका हूं मैं। याद करो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला का फोकस टू ए मूविंग पॉइंट, इसका फोकस ये रहा a0 और यहां पे एक मूविंग पॉइंट p xy, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना नहीं सिखाया है। इसको मान लो hk, तो क्या लिखते थे, h इक्वल टू x प्लस a बाई 2 और y इक्वल टू k प्लस 0 बाई 2। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो 2h माइनस a और यहां से y का वैल्यू निकालोगे ये k इक्वल टू सॉरी y प्लस 0 बाई 2। यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो 2k आएगा और ये xy सेटिस्फाई करेगा किसको, पैराबोला को। पैराबोला का पॉइंट है तो इसमें सेटिस्फाई करा दो, y की जगह रख दो 2a और x की जगह रख दो तुम 2h माइनस a, तो देखो क्या मिलेगा। y की जगह अगर रख दो 2k तो 2k स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू x के जगह पे आ गया बच्चे 2h माइनस a, 4k स्क्वायर इक्वल टू यहां से 2 कॉमन कर लो
तो 4a into 2 अंदर आया h minus a by 2, 4 ने 4 को मार दिया, k के जगह y, h के जगह x, तो y square equal to 2a into x minus a by 2, ये रहा लोकस और ये पैराबोला है और तुमसे पूछा है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। अरे क्लास में कराया था, डिक्टो क्वेश्चन करा क्लास में कराया था, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है y square equal to 4ax का, x equal to minus a, स्मॉल है मत लिखो कैपिटल है लिखो, x की जगह आएगा x minus a by 2 minus a, यहाँ पे देखो 4a equal to 2a है तो a का वैल्यू कितना है भाई a by 2 तो minus a by 2 ये उड़ जाएगा, x equal to 0 is the directrix, ये आंसर है। बात समझ आई? हालांकि ये तुमको पूछना नहीं चाहिए था, ये क्लास का सवाल था ये। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट बारी बारी से। नेक्स्ट तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द नॉर्मल्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी द 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x द नॉर्मल्स एट व्हिच मीट इन अ पॉइंट देन। अच्छा देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसके ऊपर तीन नॉर्मल का कहानी है बच्चे, एक नॉर्मल यहां दिस इज x1 y1, उसके बाद एक नॉर्मल इधर कहीं ले लो x2 y2, यहां पे एक नॉर्मल और एक नॉर्मल इधर कहीं ले लो x3 y3, ये तीन नॉर्मल। आगे तुमसे क्या बोल रहे हो, द नॉर्मल्स एट विच मीट इन अ पॉइंट, ये तीनों नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, ऐसा है ये, देन तुमसे पूछ रहा है ये कंडीशन कौन सा सही है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें नॉर्मल निकालो बच्चे, क्या करना होगा देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले 2y dy by dx इक्वल टू 4a, यहां से dy by dx निकालो, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, ठीक है, ये टेंजेंट के स्लोप से तुमको मिलेगा एम नॉर्मल मिलेगा, ये नॉर्मल का स्लोप मिला, यहां से निकालोगे तुम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मजे वाली बात ये है कि तीन पॉइंट तीन नॉर्मल, यानी कि तीन नॉर्मल का स्लोप आएगा और तीन नॉर्मल का इक्वेशन आएगा, उनको सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वहां से रिक्वायर्ड कंडीशन तुमको मिलेगा। अरे बात समझ आई? तो बिल्कुल एकदम इसको बेसिक dy by dx से करना है। सर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दीजिए, कौन सा क्वेश्चन का भाई, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन दिस। अरे देखो सुनो, उसने बोला कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये सर्कल कुछ ऐसा ही तो होगा, ये 40 और एक लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स वाई इंटरसेप्ट 2 2, ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो तुमको बोला कि वो जो पॉइंट है, मान लो कि लेट अस अज्यूम x1 y1, वो बोला कि ये मेजर वाले पार्ट में आना चाहिए, यानी कि ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट है, तो उसने बोला बड़ा वाला पार्ट में ये पॉइंट लाई करे, तो सबसे पहली बात ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, पॉइंट सर्कल के अंदर तो कंडीशन होता है x1 लेस देन 0, याद है, और देखो ये पॉइंट लाइन के नीचे है, पॉइंट लाइन के नीचे है तो क्या करते थे याद करो, इसको इसमें पुट करते थे x1 प्लस y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट 1, दैट मस्ट बी लेस देन 0, याद आया, दो इक्वेशन सॉल्व करो r का वैल्यू निकल जाएगा जो भी पॉइंट में वेरिएबल है। किसने और भेजा था डाउट, नाम बोलो कोई, मैं पढ़ता हूं, नाम बोलो अपना, राहुल तुम 11 क्लास के हो,
राहुल 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 कौन सा नंबर पे भेजा था? जो खो गया उस पे नहीं भेजा था ना? राहुल 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 ये है क्या तुम्हारा? ये JEE का सवाल है क्या? क्या है द सेंटर ऑफ, ये कितना 19 नंबर की 20 नंबर कौन सा? ट्वेंटी कौन सा है? इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस, ये वाला क्या? अरे सवाल तुम्हारे सामने है कि खाली मेरे सामने है? सवाल पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार सवाल पढ़ो। यही वाला क्या? पक्का ना? हट गया। ये बताऊं कि नहीं बताऊं? ये ऐसे ही बोल रही है, ये खुद भी सिवर नहीं है, इसको क्या पूछना है? If one of the diameters of the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is a chord of the circle whose center is 2, 1, इसका एक डायमीटर जो है वो इस वाले सर्कल का एक कॉर्ड है, बात समझो कहानी कैसा होगा। इसका जो डायमीटर है, सॉरी इसको ये वाला सर्कल मान लो, इस वाले सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर वो इस वाले सर्कल का कॉर्ड है, बात समझ आया? और तुमको क्या दिया है? जिसका सेंटर जो है 2, 1 है, इसका सेंटर दिया है 2, 1। इसका सेंटर है 2, 1, तो आपको बताना है इसका रेडियस कितना होगा, इस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा। चलो बताओ क्या करें। ये इसका डायमीटर है, ये वाले सर्कल का डायमीटर है, ठीक, ये वाले सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर हमने को पता है, कितना सेंटर है इसका 1, 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों 1, 3 का, ठीक। और इसका रेडियस अपने को पता है, इसका रेडियस निकालो कितना आएगा, अंडर रूट 1 + 9 माइनस 6, क्या 2 आ जाएगा? ये रेडियस इसका 2 है, अपने को इसका रेडियस निकालना है, देखो तो ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है बच्चों, दोनों के सेंटर का पता है, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? देखो तो 2 - 1 - 1, 1 - 3 - 2, 4 + 1 √5 आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये √5 है, ये 2 है, तो ये हाइपोटेनियस नहीं निकल जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर √5 + 4 √9, 3 आ जाएगा आंसर। क्या 21 इसमें है क्या? पता नहीं है कि नहीं, 21 तो तेरा नहीं होगा, कहे कि आधा भेजा है, अभी किसने भेजा है? बर्नील कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8 चलो मैं पढ़ता हूं, देखो। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया एट द पॉइंट वेयर इट मेट द सर्कल्स x² + y² - λ + 6 × x + 8 - 2λ × y (x² + y² - λ + 6 × x + 8 - 2λ × y - 3 = 0) लेमडा बीइंग द वेरिएबल, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट्स, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट्स, क्या करें इसमें देखते हैं। बोला कि ये सर्कल इस सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है,
यानी कि ये दो सर्कल है, एक सर्कल ये दो सर्कल, ये दोनों पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं एक बात को, जानते हैं क्या जानते हैं, इन दोनों पॉइंट पे बच्चों टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये ना टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट वेयर इट मेट द सर्कल दिस एंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। तो बोला कि इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल पे, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, इसका लोकस निकालना, ये वाला पॉइंट का लोकस फाइंड करना। बात समझ, हाँ सर्कल्स बोला है, लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेमडा का वैल्यू बदलेगा तो सर्कल का इक्वेशन बदल जाएगा ना बच्चे। बोला तो है देख, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल। मेट बाय द सर्कल का क्या मतलब हुआ, मिल रहा है दोनों सर्कल है ना। देखो हमें पता है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट किया तो ये वाला लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड। अरे कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 minus S2 equal to 0 बताओ, S1 minus S2 equal to 0, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों को, ठीक है तो कुछ आएगा नहीं, कितना आएगा, लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 लैम्डा इंटू वाई माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया इसका इक्वेशन। अब मान लो कि ये वाला पॉइंट सपोज एच कॉमा के है जिसका लोकस निकालना है, ठीक। अब इस वाले पॉइंट के नजर से अगर देखो तो ये दोनों टेंजेंट सर्कल को यहां टच किया और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो क्या इस वाले पॉइंट के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। उल्टा देखो बच्चे, ये सर्कल को भूल जाओ, इसका काम खत्म, इतना ही काम था इसका, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना। अब इस पॉइंट से देखो दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं हो गया, और ये सर्कल का इक्वेशन है x2 + y2 - 1 = 0 और इक्वेशन ऑफ COC क्या पढ़ा है मैंने, t = 0, बहुत बढ़िया। तो यहां से t निकालता हूं, देखो तो hx + ky - 1 = 0 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, क्या ये दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है, ये भी इसी का इक्वेशन है और वो भी इसी का इक्वेशन है, तो क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर 1 एंड 2 कैसे कंपेयर करोगे, x का कोफिशिएंट h है, यहां x का कोफिशिएंट लैम्डा प्लस 6 है, यहां y का कोफिशिएंट k है, यहां y का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 8 माइनस 2 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा माइनस 8 है, यहां कांस्टेंट माइनस 1 है, यहां कांस्टेंट 2 है। देखो फर्स्ट लास्ट को इक्वेट किया, लैम्डा मिल गया एच के टर्म में, अरे मिला ना, क्या आदमी हो गया तुम लोग, कितना आया लैम्डा बताओ, इन दोनों को इक्वेट करो, 2h 2h इधर माइनस 6 होगा, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये लैम्डा आ गया, ठीक। अब फिर इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को कितना मिलेगा, 2k इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 8, और ये लैम्डा उठा के यहां रख देना, h को x रख देना, k को y रख देना, ये आपका लोकस आ गया। बात समझ आई, ये लैम्डा उठा के यहां रखना है, h को x रखना है, k को y रखना है, ये आपका लोकस है। बढ़िया सवाल था ये, कॉन्सेप्ट का सवाल है। निखिल कौन है, निखिल निखिल कौन है, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच कट द सर्कल दिस एंड दिस ऑर्थोगोनल। अबे ऑर्थोगोनली काट रहा है, दो बार कंडीशन लगाओ ना, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, याद है, दो बार लगाओ दोनों सर्कल के साथ। केशव कौन है, केशव एक मिनट पढ़ रहा हूं तुम्हारा सवाल, द नॉर्मल एट अ पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x पासेस थ्रू 0.50, देयर आर थ्री सच नॉर्मल्स वन ऑफ व्हिच इज द एक्सिस, द फीट ऑफ द नॉर्मल्स फॉर्म अ ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड इज,
ऐसा किसने कहा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो y square equal to 4x, ये देखो इसका एक पॉइंट है, बोल रहा है 50, ये रहा। तो बोला कि द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ऐसा एक पॉइंट नहीं है, ऐसा तीन पॉइंट है। यहां भी कोई पॉइंट होगा जिसका नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है, और इधर भी कोई पॉइंट मान लो जिसका नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है। ऐसे तीन नॉर्मल है, n1 n2 n3। अब मजे वाली बात यह है, तुमसे पूछा है कि ये तीनों पॉइंट को अगर मिला दिया जाए ए बी सी, इसका सेंट्रोइड निकालना है। सवाल समझ में आ गया? हाँ, तो बोला तो अच्छा, एक एक्सिस है क्या उसमें से? हाँ, तो एक हटा दो बच्चे, तीसरा वाला, यानी कि n3 जो है वो ये है, तो ये पॉइंट होगा फिर तीसरा, ये दूसरा नॉर्मल और ये तीसरा नॉर्मल n3, तो ये तीनों पॉइंट इस ट्रायंगल का निकाल पाओगे? कैसे निकलेगा? वही पुराना काम, 2y dy by dx, यहां से टेंजेंट नॉर्मल का, इसको पॉइंट को मान लेना 80 स्क्वायर 280, ठीक। m टेंजेंट निकालना, m नॉर्मल निकालना, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और वो पास कर रहा है देखो 50 से, इसको 50 से सेटिस्फाई करा देना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को 50 से सेटिस्फाई करोगे तो टी में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वहां से टी का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, टी का तीन वैल्यू मिलेगा, t1 t2 t3, तीन वैल्यू क्यों आएगा? क्योंकि ऐसा तीन पॉइंट है, एक पॉइंट दूसरा, एक टी का वैल्यू जीरो भी आएगा देखना, जिससे ये दूसरा पॉइंट मिलेगा और ये तीसरा पॉइंट। फिर से बोल रहा हूं, टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल पास कर रहा है 50 से, तो 50 से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना, टी में एक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा टी में, और वहां से टी का तीन वैल्यू आएगा जिसमें से एक जीरो होगा, देखना जीरो होने से ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो, और ये दोनों t1 t2 रखना, ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा, तीनों पॉइंट अगर मिल गया तो इसका सेंट्रोइड नहीं मिल जाएगा ट्रायंगल का। द नॉर्मल एट द पॉइंट पी एपी स्क्वायर टू एपी मीट्स द पैराबोला y square equal to 4x again at aq square 2aq, then such that the line joining origin to p and q are at right angle, then हाँ तो ठीक है, normal का equation लिखो, उसको फिर से satisfy करा दो उसके साथ। एक पॉइंट है एपी स्क्वायर टू एपी, यहां पे बोला कि जो नॉर्मल है वो पैराबोला को अगेन मिल रहा है इस पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है ए क्यू स्क्वायर टू ए क्यू, यही ना, और ये कंडीशन, ये पी है ये क्यू है, तुमको दिया हुआ है ओपी क्यू, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, समझे? नॉर्मल लिखो, फिर से वही कहानी, बार बार एक ही चीज करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, डिफरेंशिएट 2y डी का, सब में एक ही काम 4a, यहां से m टेंजेंट आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड कर दो तो 2a बाई y, यानी कि 2a बाई, इसका y कोऑर्डिनेट ले लो 2ap, यानी कि 1 बाई पी, ये टेंजेंट का स्लोप, तो क्या नॉर्मल का स्लोप माइनस पी हो जाएगा? और नॉर्मल का स्लोप अगर माइनस पी, तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वाई माइनस वाई वन टू ए पी इक्वल टू माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए पी स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करा दो, इसी लाइन में है, एक्स की जगह ए क्यू स्क्वायर, वाई की जगह टू ए क्यू, तो टू ए क्यू माइनस टू ए पी इक्वल टू माइनस पी इंटू एक्स के जगह आ गया ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, देखो यहाँ 2a कॉमन, 2a इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू
यहां से a कॉमन आया माइनस ए पी बाहर और q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को लिखोगे q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी। जिसको डाउट नहीं देखना है वो लोग छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। q माइनस पी उड़ गया, a से a उड़ गया, यहां बचा 2 इक्वल टू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी। ये आ गया माइनस टू बाई पी इक्वल टू क्यू प्लस पी, यानी कि q का वैल्यू आ गया बच्चे माइनस टू बाई पी माइनस पी। आया? अब आ जाओ कहानी में। अब ये वाला कंडीशन लगा लो ना, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप m1 इंटू m2 माइनस 1, इसका स्लोप कितना आएगा देखो 2ap डिवाइडेड बाय ap स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन तो जीरो है, मल्टीप्लाइड बाय इसका स्लोप आएगा 2aq बाय aq स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। a से a गया p से p गया तो 2 बाय p और यहां पे आएगा 2 बाय q इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से ऐसा लगता है जैसे pq इक्वल टू माइनस 4 आएगा, आएगा? यहां से किसी का वैल्यू क्या, इन दोनों को सॉल्व कर लो ना आंसर आ जाएगा। ये लो इसको और इसको, हाँ तो ये दोनों सॉल्व कर लो अभी आंसर आ जाएगा। और कौन है भाई? 25 नंबर राहुल 11। द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट अ पॉइंट p एंड q द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट pq एट x कोऑर्डिनेट माइनस 3 बाय 5 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। राहुल है कि गया है? देख बोला कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। देख बोर्ड पे देख राहुल, बोला कि इसको एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे p और q पे। आगे क्या बोल रहा है? इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, इसका जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस 3 बाई 5 है, y कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये सवाल ठीक है, बताओ इसका सेंटर 3 कॉमा माइनस 2। हाँ जी, y इक्वल टू mx प्लस 1 को लिख लो mx, सुन तुझे ही करना है। ये लाइन पता है, ये पॉइंट से क्या मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं? मुझे x कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, वैसे दोनों निकाल देना, x और y दोनों निकाल देना, ठीक है? m के टर्म में आएगा, m के टर्म में, और x कोऑर्डिनेट को कर देना माइनस 3 बाई 5, वहां से m का वैल्यू मिल जाएगा मुझे। अरे बात समझ आया? और कोई है अभी क्लास में जिसको डाउट है? ठीक है, जिसको यहां पूछना है कोई बात नहीं, ऑफलाइन शुरू होने दो, आगे सबका डाउट क्लियर करेंगे यहां पे। ठीक, साथ में मुर्गा भी लेके आना दो। चलो बाय बाय। केएफसी तो रेडी रहता है।